गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम प्रार्थना आत्मिक जीवन की नींव, इस विषय पर बात करेंगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो काल्पनिक है। एक दिन एक बाइबल टीचर अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आत्मिक जीवन मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों ने कहा कि वचन को गहराई से स्टडी करना चाहिए, सोल विनिंग करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना चाहिए। तो शिक्षक ने कहा, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है उस बात को आप कहना भूल गए। वो बात यह है कि आपका वैयक्तिक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपने सुंदर इमारत की कल्पना की, लेकिन आपने उसके नींव के बारे में सोचा ही नहीं। जब आपका और मेरा आत्मिक जीवन प्रार्थना पर आधारित होगा, तब हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। याद रखिए, वचन के द्वारा हमें बुद्धिमत्ता मिलती है और प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य। और हम देखते हैं पहला थिस्लोनी के 5वें अध्याय और वचन 17 में पौलुस लिखते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस ने अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व और सामर्थ्य को अनुभव किया था, इसलिए पौलुस इस वचन को लिख पाए। पौलुस जान चुके थे कि अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता है या आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहता है, तो उसकी नींव प्रार्थना पर आधारित होनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा असंभव बातें भी संभव होती है। और इसलिए याकूब 5:17 में याकूब लिखते हैं, एलिया की कहानी बताते हैं याकूब। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। अगर इस वचन का आप साधारण रूप से अर्थ इस प्रकार से ले सकते हो कि प्रार्थना के द्वारा असंभव बातें भी संभव होती है। याकूब यहाँ पर दर्शाते कि एलिया बताते कि एलिया हमारे जैसा समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एलिया के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आपके आत्मिक जीवन की नींव प्रार्थना पर आधारित है। और हम आगे जाके देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो असंभव बातों को संभव करती है। यहोशू का 10वां अध्याय और वचन 12 और 13 को जब आप पढ़ते हो, उस वचन में आप देखते हो कि असंभव बात संभव हो गई है। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से पलटा न लिया। क्या यह बात याशर नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाई। जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हो, तो यीशु मसीह अपने जीवन का काफी समय प्रार्थना में बिताते हैं। वो परमेश्वर के साथ संगति में बातचीत करने में बिताते हैं। जब हम लूक 6वें अध्याय के वचन 12 और 13 को पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह चुनाव करने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं मार्गदर्शन के लिए और सही चुनाव के लिए। मत्ती 26:41 को जब आप पढ़ते हो, तो यीशु मसीह वहां पर कह रहे कि सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करो, ताकि शरीर जो है वो दुर्बल है। और हम इस प्रकार से देखते हैं, एलिया हो यहोशू हो, वो हमारे जैसे समसुख दोगी मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उनका आत्मिक जीवन प्रार्थना पर आधारित था। उनके आत्मिक जीवन की नींव प्रार्थना थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में असंभव बातों को भी संभव किया। जिस व्यक्ति की आत्मिक जीवन की नींव वचन और प्रार्थना पर निर्भर होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखेगा। जिस प्रकार से पौलुस ने देखे, जिस प्रकार से एलिया ने देखी, जिस प्रकार से यहोशू ने देखी, और आज आप और मैं देख रहे हैं। सो वचन और प्रार्थना, ये दो ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेने के लिए एक समझ देती है। और हम देखते हैं पौलुस के मिशन यात्राओं में जितनी बार भी हम देखते हैं कि पौलुस हर समय प्रार्थना कर रहे, ताकि परमेश्वर नया दरवाजा खोले, ताकि उन्हें छुटकारा मिले, ताकि सुसमाचार प्रचार हो जाए। जब आपकी और मेरे आत्मिक जीवन की नींव प्रार्थना पर और वचन पर आधारित होगी,
सो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखेंगे। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।